फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय किचन विद अ न्यू रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे एकदम सिंपल स्टेप से पाउडर के गुलाब जामुन, जिसको बनाना बेहद ही आसान है। तो चलिए आज की मेकिंग शुरू करते हैं और बनाते हैं इस किड्स के पाउडर का एकदम आसान तरीके से गुलाब जामुन। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैंने पाउडर को अच्छे से काट लिया है और उसे अच्छे हाथ से मस लूँगी। मसल मसल के फाइन पाउडर बना देना है और अब थोड़ा सा दूध डाल के इसे नॉर्मली बस ऐसे ही गूंथ के रख देंगे। ज़्यादा हमें कोई इसे नहीं सानना है, नहीं गूंथना है, बस हल्का सा दूध मिलाया और उसे ऐसे ही घोल के रख देंगे। जिससे हम बेसन का चीला वगैरह बनाते हैं तो घोलते हैं ना, बस उससे उसी नाप से थोड़ा घोल देना है। अगर आपको थोड़ा सा गीला लग रहा हो या फिर दूध ज़्यादा हो गया हो तो आप इसमें थोड़ा सा एक चम्मच सूजी का इस्तेमाल कर लीजिए, जिससे जो आपका ये डो है अच्छा बन के रेडी हो जाएगा। और 10 मिनट के रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब एक पैन में मैं डाल दूंगी चीनी और इसमें बनाएंगे चाशनी। तो एक कटोरी चीनी ली है और उसमें एक ही कटोरी हम डाल देंगे पानी। रसगुल्ले के लिए हमें ज़्यादा 2 या 3 तार की चाशनी नहीं बनाना है, एकदम 1 तार से भी कम एकदम हल्की चाशनी बनाना है। तो इधर ये देखिए, मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और चीनी पानी एक साथ डाल के उसे 1 तार की चाशनी होने के लिए रख दिया है। और इधर ये देखिए, तब तक 10 मिनट में ये जो हमारा डो था वो फूल के दुगना हो गया है। तो ये आप देख रहे हैं ना कितना अच्छा बन के रेडी हो गया है। बस इसे बनाना उससे भी सिंपल है, सिर्फ हाथ में थोड़ा सा घी लें और फिर थोड़ा सा बॉल काटें और उसे मनपसंद आकार दे दें। आप चाहें तो लंबे रसगुल्ले बना सकते हैं या गोले रसगुल्ले बना सकते हैं। तो मैं गोले रसगुल्ले यहाँ बना रही हूँ। इस पैकेट में तो लिखा है कि एक पैकेट से हमें 20 रसगुल्ले बनाना है, पर मैं रसगुल्ले की साइज़ थोड़े बड़े बना रही हूँ तो इससे मैंने टोटल 20 रसगुल्ले बना लिए हैं और बना के अलग कर देती हूँ। इधर चाशनी भी हमारी पक के रेडी हो गई है, ये देखिए। ज़्यादा हमें 2-3 तार की चाशनी ही बनानी है, बस चीनी पानी घुल जाए, हल्का सा गाढ़ा हो जाए। अब जो हमने बॉल्स बनाई है उसे अब हम फ्राई करेंगे। तो इधर मैंने कढ़ाई में रख दी है, लोहे की कढ़ाई रख दी है और इसमें मैं डाल दूँगी कोई भी वेजिटेबल कुकिंग ऑयल। सरसों वगैरह के तेल में आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, आप चाहें तो घी में या फिर रिफाइन ऑयल में बनाएं इसे, जिससे रसगुल्ले बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट बनते हैं। तो जब तेल एकदम नॉर्मल गरम हो, हमें ज़्यादा हाई फ्लेम पे तेल गरम नहीं करना है, और उसके बाद अपने इस बॉल्स को डाल देंगे और बॉल डालते हुए हमें इसे चलाते रहना है। ये बहुत जल्दी तले में लग जाता है, तो 1 कप चम्मच के हेल्प से धीरे धीरे चारों तरफ चलाते रहिए ताकि जो हमारा बॉल्स है वो बिल्कुल कढ़ाई में लगे नहीं, और इसे हमें कंटिन्यूस चलाना है। 2 से 3 मिनट में है आप देखेंगे कि जो हमारा रसगुल्ला है वो बिल्कुल अपना कलर चेंज कर देगा, पर ये भी हुआ नहीं है। इसको हमें अंदर तक पकाना है, तो 5 से 7 मिनट तक इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे चलाते रहना है बार बार, और आप देखेंगे कि हमारा जो रसगुल्ला है 5 से 7 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो फ्लेम का आप पूरा से पूरा ध्यान दें, फ्लेम हमें ज़्यादा इसमें नहीं करना है, नहीं तो आपके रसगुल्ले फट सकते हैं या फिर उसमें अंदर ऑयल घुस सकता है। इसीलिए तलते वक्त आप बहुत सावधानी रखें, फ्लेम जो है लो टू मीडियम, और इसे धीरे धीरे बीच बीच में चलाते रहिए। स्टार्टिंग में तो आप तुरंत तुरंत चलाइए और फिर जब थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो जाए तो आप इसे बीच बीच में चलाते रहिए। और ये देखिए, 5 से 7 मिनट हो गए हैं और हमारा जो रसगुल्ला है परफेक्ट बन के रेडी हो चुका है। इस स्टेज पर हम जो सारा रसगुल्ला है उसे निकाल लेंगे और अब इसी में हम अपना सेकंड बैच का भी रसगुल्ला बनाएंगे। मैंने पूरे 12 रसगुल्ले बनाए हैं, तो 6 मैंने एक साथ फ्राई किए हैं और 6 फिर मैंने एक साथ फ्राई किए हैं। ये देखिए, बारी बारी करके मैंने निकाल लिया और सेकंड बैच के भी रसगुल्ले मैंने तल लिए। और इधर चाशनी भी रेडी थी, तो गर्मा गर्म चाशनी में अपने इस गर्मा गर्म रसगुल्ले को डाल देंगे और थोड़ा सा चला देंगे। और ये देखिए, अगर चाशनी ठंडी हो गई हो तो आप थोड़ा सा इसे गर्म भी कर सकते हैं और उसे ढक के 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे बाद देखिए हमारा रसगुल्ला परफेक्ट एकदम खिला खिला बनकर रेडी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।